नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको डेल लैपटॉप के बारे में फुल रिव्यू देंगे और इसको अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखाएंगे कि इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलता है तो दोस्तों आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हो कि एक लैपटॉप लेना चाहिए तो कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए उसमें कौन सा कॉन्फिगरेसन होना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा जो कि आपका ऑफिस का काम और घर का काम दोनों ही आप कर पाओगे इंटरनेट सर्फिंग वगैरह सब कुछ आपका हो जाएगा और थोड़ा बहुत अगर भारी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहते हो तभी आप उसमें कर पाओ तो कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए कौन सा जनरेशन का कितना जीबी रैम होना चाहिए कितना जीबी एसएसडी होना चाहिए विंडोज़ उसमें होगा कि नहीं ऑफिस लेना चाहिए या नहीं और कितना इंच का आपका डिस्प्ले होना चाहिए सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देंगे बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा लैपटॉप आपको चूज करना चाहिए आपके लिए या आपके बच्चों के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों आप अगर ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो जो एक लाइक कर देना और मुझे फॉलो कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज मेरे पास जो लैपटॉप है और डेल इंसप्री ऑन फिफ्टीन थ्री फाइव टू जीरो सीरीज का लैपटॉप आपको दिख रहा है जिसमें दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा आई फाइव पोसीसर का ट्वेल्व जनरेशन का पोसेसर है और एट जी बी रैम इसमें इंस्टॉल है ऑलरेडी और पाँच सौ बारह जी बी का एस एस डी लगा हुआ है और दोस्तों आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे एस एस डी है और हार्ड डिस्क वगैरह नहीं है यहाँ पे तो हार्ड डिस्क आपको कौन से सिचुएशन में चाहिए और नहीं तो एस एस आपको कौन सी सिचुएशन में चाहिए सब कुछ इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा और दोस्तों इसमें विंडोज़ इलेवन प्रीलोडेड है और इसके साथ ऑफिस टू इसमें वो एक साल के लिए दिया गया है तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलता है तो देखिए ये या, दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे काट कर लेता हूँ तो देखिए बॉक्स पैकिंग आप देख सकते हो डेल का जो बॉक्स पैकिंग है वो मुझे तो अच्छा लगता है आप बोलिएगा आप लोगों को कैसा लगा तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास कौन सा कलर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाए थे देखिए यहाँ पे मुझे एक लैपटॉप मिला जो कि मेटल ब्लैक कलर का और यहाँ पे देख, दोस्तों देखिए पावर कॉर्ड और यहाँ पे देखिए एक एडाप्टर दिया गया है तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखोगे यूजर मैनुअल वगैरह यहाँ पे दिया गया है तो आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है इसको साइड में रख देते अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पावर कॉर्ड हम लोगों को मिला है वो अच्छे क्वालिटी का है देख सकते हैं अच्छे क्वालिटी का ही है और यहाँ पे जो एडाप्टर हम लोगों को दिया गया है इस लैपटॉप के साथ तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा देखिए यहाँ पे 65 फाइव वाट का एडाप्टर यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल है और इसका अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है नाइनटीन पॉइंट फाइव वोल्ट दिया गया है और थ्री पॉइंट थ्री फोर का सिक्सटी फाइव वाट का अडाप्टर जो कि बहुत ही अच्छा है लैपटॉप के लिए तो अभी देखिए लैपटॉप में लैपटॉप में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा इसका स्पेसिफिकेशन हम पहले ही बता दिए फिर भी आप लोगों को देखना है तो बॉक्स के पीछे आपको मिल जाएगा इसका सीरियल नंबर पार्ट नंबर सब कुछ मिल जाएगा देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर इंसप्रियन थ्री फाइव टू जीरो और यहाँ पे देखिए सीपीयू जो है प्रोसेसर प्रोसेसर देखिए आई फाइव ट्वेल्व जेनरेसन का वन टू थ्री फाइव यू तो ट्वेल्थ जनरेशन का प्रोसेसर है और यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क एंड मेमोरी हार्ड ड्राइव जो एस एस पे लगा हुआ है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइव वन टू जी बी एस एस डी और यहाँ पर मेमोरी जो है वो एट जी का मेमोरी यहाँ पे लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब कुछ दिखा दिया और 15.6 पॉइंट का आपको एल मिल रहा है तो दोस्तों आप अगर सोच रहे हो कि स्टोरेज ज़्यादा नहीं है पाँच सौ का एस है तो आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए कि आप अगर एक साथ एस एंड हार्ड डिस्क दोनों कवर करोगे तो इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा एक दूसरा आपको अगर स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो मेरे हिसाब से मेरा साहसा नहीं है क्या आप अलग से एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ख़रीद लीजिए वो अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लैपटॉप में अगर ओनली एस एस डी इंस्टॉल होगा तो आपका लैपटॉप जो है बहुत ही फास्ट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो मेरे हिसाब से आप एस एच डी वाला ही लैपटॉप लीजिएगा वहाँ पे आप पाँच सौ बारह जी बी दो सौ छप्पन जी बी और एक सौ अट्ठाईस जी बी का एस एच डी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ कीजिए वही बेटर है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कौन सा पोर्ट मिल रहा है देखिए यहाँ पे एक कार्ड कार्ड का पोर्ट हम लोगों को मिल रहा है राइ, राइट राइट साइड में और यहाँ पे एक यू पोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे एक 3.5 पॉइंट mm फाइव का हेडफोन का जैक का पोर्ट मिल रहा है और बाएँ तरफ देखिए दोस्तों यहाँ पर एडेप्टर का पोर्ट पावर एडेप्टर का और यहाँ पर एच पोर्ट एक दिया गया है और यहाँ पर दो यू पोर्ट दिया गया है तो दोस्तों आपको अगर इससे भी ज़्यादा पोर्टेज पोर्ट्स चाहिए मतलब भी पोर्ट चाहिए और भी पोर्ट चाहिए मतलब थ्री पॉइंट ज़ीरो का पोर्ट चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा लेने से पहले स्पेसिफिकेशन फुल आपको कवर करना पड़ेगा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सा पोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है और इसका जो डिज़ाइन देखिए दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा यूनिक है आजकल जो लैपटॉप हम लोगों को देखने को मिल रहा है देखिए इसका डिज़ाइन इसका डिज़ाइन भी अलग तरीके से बनाया गया है तो इससे क्या होगा आपका लैपटॉप जो है वो ओवरहीटिंग नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए लैपटॉप ओपन करने से ही यहाँ पे थोड़ा सा गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो इसके वजह से इसका जितना भी हीट वगैरह है तो आपको अलग से लैपटॉप पैड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे ही आपका आराम से लैपटॉप ओवर हीटिंग नहीं होगा तो ये वाला आपको एडवांटेज ही मिलेगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड दिया गया है वो इनबिल कीबोर्ड बोर्ड यहाँ पर दिया गया है केसिंग के साथ आ रहा है सब कुछ कीबोर्ड मतलब आप अगर एच पी डेल जो भी कंपनी का लोगे अभी केसिंग के साथ ही आ रहा है तो ये वाला कीबोर्ड ज़्यादा चांसेस नहीं है कि खराब होने का और ख़राब भी हो जाता है तो इसको आप रिपेयर भी कर सकते हो मतलब इसका जो आईसी सी वगैरह है ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता है तो आईसी ठीक करने से आपका कीबोर्ड भी ठीक हो जाता है पहले क्या होता है दोस्तों पहले हम लोगों का जो कीबोर्ड का की है वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो जाता था और हम लोगों को कीबोर्ड रिप्लेस करना पड़ता था तो अभी दोस्तों यहाँ पे चीप मतलब आईसी लगाया गया है अलग से कीबोर्ड खराब ना हो उसका आईसी खराब हो सकता है तो आईसी खराब होने से आईसी रिपेयर किया जा सकता है और दोस्तों यहाँ पे पावर बटन आपको मिलेगा अलग से पावर बटन यहाँ पे नहीं है कीबोर्ड के साथ ही आपको पावर बटन मिलेगा तो कीबोर्ड तो मतलब पावरफुल बनाना ही था इसलिए कंपनी ने कीबोर्ड को पावरफुल बना दिया अभी कीबोर्ड का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है और इसका जो बैटरी है दोस्तों तो इनबिल बैटरी है और टैच टच पैड भी है और यहाँ पे देखिए इंटेल कोड आई फाइव का स्टिकर दिया गया है और यहाँ पे भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है देखिए ओब कैम एच डी कैम आपको मिल रहा है और डेल सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और एक साल का आपका ऑन वारंटी आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आपको भी अगर कोई लैपटॉप लेना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा लैपटॉप ले, आपने चूज़ किया है और उसमें लैपटॉप लेने से पहले जरूर चेक कीजिए उसका स्पेक मतलब स्पेसिफिकेशन जरूर चेक कीजिए आप पूरा स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि इसमें रैम का स्लॉट कितना है आप अलग से रैम इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं और यहाँ पर कितना पोर्ट आपको मिलेगा सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हो इसमें जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो फुल एच है कि नहीं और वेब काम एच है, है कि नहीं सब कुछ आप मतलब वन बाय वन चेक कर सकते हो तो बिफोर बाय प्लीज़ चेक कीजिए कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका जो पार्ट नंबर है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ देखिए इस सीरीज़ का बहुत सारा पार्ट नंबर आपको मिल जाएगा देखिए मॉडल नंबर जो है इंस्प्री ऑन थ्री फाइव टू जीरो ये वाला सीरीज़ है तो थ्री फाइव टू जीरो सीरीज़ का बहुत सारा लैपटॉप आपको मिल जाएगा मतलब आई फाइव में वाला लैपटॉप है आई थ्री में भी मिल जाएगा आई सेवन में भी मिल जाएगा तो आपको देखना है पार्ट नंबर तो पार्ट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा देखिए यहाँ पे सर्विस टैग नंबर देख के भी आप सर्च कर सकते हो एक्यूरेट मतलब लैपटॉप आपको शो करेगा और यहाँ पे देखिए और भी एक नंबर है यहाँ पे देखिए सर्विस टैग नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्विस टैग नंबर है और यहाँ पे पार्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा तो पार्ट नंबर दे के आप सर्च कीजिए तो आपको क्या होगा यहाँ पे जो एक्यूरेट लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो दोस्तों ऐसे ही आप कीजिएगा कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का और हो सके तो इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे और दोस्तों आप लोगों को अगर जा, जानना है कि लैपटॉप बाय करने के बाद प्रीलोडेड ओएस कैसे सेटअप किया जाता है फर्स्ट टाइम कॉन्फिगरेशन कैसे किया जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा हालांकि मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं आप मेरे प्लेलिस्ट लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्लेलिस्ट चेक कीजिए वहाँ पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा अनबॉक्सिंग रिव्यू का और फर्स्ट टाइम कॉन्फिगरेशन कैसे किया जाता है विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 अगर आपके लैपटॉप में प्रीलोडेड है तो कैसे आप सेटअप करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा तो इस लैपटॉप के लिए आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना और दोस्तों फेसबुक में अगर देख रहे हो तो फॉलो करके लाइक कर देना तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम